भैया के पास मुझे नहीं है। हाँ रजनी, और विनायक बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। और बताओ जोशी जी, कसम से आज आप कयामत लग रहे हो, तो कसम कसम खाने की क्या जरूरत है? स्पीड वाले मतलब अरे यार, जैसे कहते पता नहीं कैसे लोग भारी पायल पहनते हैं, मैं तो भारी पायल पहन ही नहीं पाती। अब देख रहे हैं पैर जैसे जैसे लग रहा है जैसे गिरा जा रहा है। हाय विनायक बेटा, आप ठीक हो? जोशी जी ले, हाँ अतुल जी, मेरा डिनर लेट होता है, खाना लेट बनाती हूँ तो डिनर भी लेट हो जाता है। अतुल जी आप तो जानते ही, उन्हें कितना वर्क करना पड़ता है, फिर उसके बाद जब वर्क से खाली मिलता है तब जाके बनाते हैं। तुम्हें देखना, मुझे नहीं देखना। हाँ समझिए, इयररिंग्स, थैंक यू थैंक यू। हाँ दोस्त, खाना खा मतलब खत्म हो चुका है, थोड़ा सा बचा लास्ट इन्नी वाला, इसलिए झूठा है तो पूछ तो सकती नहीं हूँ। आप खाना खा लिए? बताएं, मैं लेट इसलिए हो गई आपको बता दूंगी, आप सोचेंगे हमेशा लेट हो जाती हूँ। मैं अभी सोची थी कि मैं मेंटेन कर लूँगी। मेरी छोटी बहन जो उस दिन बात कर रही थी ना संजू, उसका फ़ोन आया था, फिर हम लोगों का कल प्लान था कि हम लोग कल मार्केट जाएंगे। तो हम लोग, हमारे यहाँ काम लगा है, आप तो देख ही रहे हो, और कल वो लगाएंगे गैस की पाइप, तो और भी बिजी हैं, तो इसलिए हम उनको मना किए कि हम नहीं जा पाएंगे। जाएंगे किसी दिन जाएंगे, लेकिन कल नहीं जा पाएंगे। अब बेटे जी इतना अकेले कितना देखेंगे? अभी मैं नहाई हूँ, नहा के कपड़े छोड़ दी थे क्योंकि हस्बैंड के लिए रोटी बनाना था। अच्छा कोई नहीं, तुम मारो। अरे अतुल जी, अतुल जी, मेरे नसीब में ना एंजॉय लिखा ही नहीं है। जब मायके में थी तो वहाँ भी काम 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 था, और जब ससुराल आई तो वहाँ भी हमको लगता है मेरा लाइफ में एंजॉय डे है ये नहीं है। जैसा कहते नहीं है, भेजा तो भेजा, भेजे में भेजा नहीं भेजा भगवान ने, और मेरे लिए क्या कहा जाएगा कि भगवान ने मुझे तो भेजा लेकिन ढेर सारे कामों के साथ, मेरे पास टाइम ही नहीं होता।